नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो का हमारा टॉपिक विद्यार्थी अपने सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स चूज करें और क्यों। तो यहाँ पर एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण की, कि हमारा जो टॉपिक है वो हम सिलेबस में से कैसे सेलेक्ट करें, किताब में से कैसे सेलेक्ट करें और वो एग्ज़ाम में किस फॉर्म में आने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, मैं आशा करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आओ इसकी शुरुआत करें। जैसे यहां पर हम JNU जोधपुर क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में हम केवल तीन टॉपिक को लेंगे जो कि फर्स्ट यूनिट में से इम्पोर्टेंट है, जैसे एक तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, दूसरा हमारा रेले जींस का नियम। जो यदि सीधा यदि हम इनको सिलेक्ट करना चाहें तो जैसे ये हमारी बुक है, तो बुक में ये रेले जींस का नियम दे रखा जो कि इतना बड़ा है। यहाँ पर मैं उस तैयारी की बात कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम टाइम हमें करनी होती, बाकी नॉलेज के लिए आप पढ़ाई करो वो आपकी चॉइस है। लेकिन जिसको हम कहते हैं एकदम कन्फर्म करना, ऐसे कौन से टॉपिक है उनकी अभी हम बात कर रहे हैं। और ये हमारा प्लैंक का परिकल्पना और प्लैंक का वितरण नियम, जिसमें यह मादी ऊर्जा के लिए और ये रेडिएशन लो यानी विकर्ण नियम है, इस प्रकार से दे रखा है। और उसके बाद इस नियम के आधार पर जैसे हम यहाँ से अलग अलग विन के नियम की प्रूव करते हैं, रेले जींस के नियम को प्रूव करते हैं, स्टेफन नियम को प्रूव करते हैं, तो ये हमारे सिलेबस में है। अब जो हमने दो टॉपिक लिए हैं उनमें से ये एग्ज़ाम में किस प्रकार से आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमें केवल क्या दे रखा है, प्लैंक के नियम, प्लैंक के विकर्ण नियम का कथन कीजिए तथा सीमांत दशाओं में इससे वीन विकर्ण नियम तथा रेले जींस विकर्ण नियम व्युत्पन्न कीजिए, यानी हमें केवल इतना ही पूछा जा रहा है। एक तो प्लैंक का विकर्ण नियम, ओके, दूसरा ये जो इसके व्युत्पन्न है ये पूछा जा रहा है। कहीं पर भी ये जो 5 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कहीं पर भी स्पेशली हमें नहीं पूछा गया कि आप रेले जींस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। और उसके अलावा विशेष रूप से यदि हम इसको देखें तो ये इतनी बार रिपीट भी हो रहा है, 2015 में, 2014 में, 2013 में। और इसके साथ आप यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक भी एग्ज़ाम में फिक्स करके जा सकते हो जो कि अति महत्वपूर्ण हैं, और इसके अलावा आप अपने यूनिट को यहाँ से छोटा कर सकते हो। और अब इसके साथ जैसे आपको अपनी यूनिट सेलेक्ट करना है, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सीखेंगे कि हम यूनिट कौन सी सेलेक्ट करें, कौन सी यूनिट क्लियर करें। इससे एक पहले वीडियो आ चुका है जिसमें हमने यह जाना कि हमने कितनी यूनिट क्लियर करनी। इन सारे वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवाता रहता हूं, वहां से आप विजिट करके देख लें। तो इस वीडियो में हमने क्या जानकारी प्राप्त की, वो है कि हम टॉपिक को ले अपने सिलेबस में से, उसको बुक में से सेलेक्ट करें, उसकी जानकारी प्राप्त करें और अब उसके बाद देखें कि यह टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पेपर में किस फॉर्म में आ रहा है और यह पिछले 5 साल के पेपर में कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसके आधार पर हम यह डिसाइड करें कि यह टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है या नहीं। अब मैंने जैसे आपको ये एक केवल तरीका बताया है, इस तरीके से आप रिलेट करके अपने खुद के तरीके बनाइए जिनसे आप एक स्मार्ट तैयारी कर सके, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह तैयारी कर सके। माई सेल्फ सुरेंद्र किलेरी, सपोर्ट योर ब्रदर, ताकि मैं आपको भविष्य में इस प्रकार की और अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करा सकूं। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।